गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वेलकम टू एन एजुकेशनल वीडियो। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव लर्न यू द टू पैराग्राफ ऑफ योर थर्ड लेसन तारोज रिवार्ड। लेट्स कंटिन्यू द प्रीवियस चैप्टर। सी फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ। नाउ लुक एट द स्क्रीन। एज यू नो that Taro is a very hard working and thoughtful son. He loves his parents very much. His father needed a warm shake to warm his heart, and he is very anxious to find the warm shake, and he think how he could find this shake. Next morning तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर। अगले दिन सुबह तारो बिस्तर से बहुत जल्दी उठ गया देन एज वेल जितना वह पहले उठता था, यानी रोज जितने समय उठता था उससे पहले ही उठ गया। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट और जंगल की तरफ चल दिया। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड। जैसे जैसे सूर्य चढ़ता गया यानी जैसे जैसे दिन होता गया समय बीतता गया वह लकड़ियों को काटता और छोटे छोटे टुकड़े करके रखता गया। एंड सून ही वॉज सो वॉर्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। और जल्द ही उसको इतनी गर्मी लगने लगी कि उसने अपना जैकेट टेक ऑफ मतलब उतार दिया। हिज माउथ वॉज ड्राई उसका मुंह सूख गया था एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वीट। स्वीट मीन्स पसीना और उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग गया था। माय पुअर ओल्ड फादर ही थॉट उसने सोचा मेरे बेचारे बूढ़े पिताजी। इफ़ ओनली ही वॉज एज वॉर्म एज आई यदि वो भी मेरी तरह गर्म हो सकते मीन्स जैसे उनको भी गर्माहट की ज़रूरत है और जैसे मैं गर्म हो गया हूँ उसी तरह काश वो भी हो सकते। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर और यह सोचते हुए पहले से भी तेज़ी से काम करने लगा और लकड़ियों को काटने लगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी He must earn to buy the shake to warm the old man's bones. यह सोचते हुए वह अधिक काम करने लगा कि अपने बूढ़े पिता के हड्डियों को गर्म करने के लिए वह शेक खरीदने के लिए एक्स्ट्रा मनी कमा सके। यह सोचते हुए वह ज़्यादा काम करने लगा। Then suddenly Taro stopped chopping. अचानक तारो ने लकड़ी काटना बंद किया। What was that sound he heard? उसने जो आवाज़ सुनी वो क्या थी? Could it possibly be rushing water? यह क्या हो सकती है? क्या यह पानी के निकलने की आवाज़ हो सकती है? तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. तारो ने पहले कभी इस जंगल के इस पार्ट में छोटी जलधारा या पानी के बहने की आवाज़ न सुनी थी न देखी थी। उसको ऐसा कुछ याद नहीं है। ही वॉज थर्स्टी वह प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। उसने अपने हाथों से कुल्हाड़ी गिरा दी और जहाँ से आवाज़ आ रही थी उसकी तरफ वह भाग गया। तारो सा अ ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। तारो ने चट्टान के पीछे एक बहुत सुंदर सा वाटरफॉल देखा। वाटरफॉल मीन झरना। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर ही द वाटर फ्लोड क्वाइटली ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स। नीलिंग मतलब झुककर, घुटने के बल झुकने को क्या कहते हैं? नीलिंग। एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली जहाँ पर पानी आराम से गिर रहा था वहाँ पर अपने घुटनों के बल झुककर उसी प्लेस से उसने क्या किया? ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स। कप्ड मतलब एक कप जितना पानी अपने हाथ में लिया यानी अपने हाथ में पानी भर लिया एंड पुट इट टू हिज लिप्स और अपने होंठों में उसको लगाया। वॉज इट वाटर क्या यह पानी था? और वॉज इट शेक या फिर यह शेक था? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन उसने बार बार उसको टेस्ट किया एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक इंस्टेड ऑफ ओल्ड वाटर और हमेशा उसको वह एक शेक की तरह लगा बजाय पानी के बजाय उसको वह पदार्थ वह पानी किस तरह लग रहा था? शेक के स्वाद का डिलीशियस स्वादिष्ट शेक लग रहा था। इतना आप लोग रिवाइज करेंगे बच्चों।
नेक्स्ट पार्ट आपको अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।